भैया हम लोग तो नहीं भर पाएंगे इतनी महंगी पानी पट्टी नल पट्टी। नहीं सही तो नहीं है, गरीब आदमी लोग को तो बहुत भारी पड़ेगा ये सब। अभी है कि अब इतना ज्यादा प्राइवेट करिए तो हम लोग कैसे भरपाई करें बोलकर बतावा। जिसकी कमाई इतनी नहीं रहेगी तो कहाँ से भरेंगे प्राइवेट में। मगर निकम्मी महानगर पालिका के जो भी लोग हैं वो लोग हमको पूछने तक नहीं आए, देखने तक नहीं। उसके जिम्मेदार जितनी कांग्रेस है उतनी बीजेपी है, जितनी बीजेपी है उतनी समाजवादी है, और जितनी समाजवादी है उतनी आरपीआई है। मैं तो सलाम करता हूँ शिवसेना को। म्युनिसिपल टैक्स की धज्जियां यहाँ पे उड़ाई गई है। कहीं पर भी नगर सेवकों की साइन लेंगे 5-10 हजार रुपया देकर। घर पट्टी और नल पट्टी वसूली करने के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी है ये असमर्थ है, महानगर पालिका अफसर असमर्थ है, तो इन लोगों को निलंबित किया जाए। ये जो घर पट्टी नल पट्टी का निजीकरण उनको देने का इन्होंने प्रस्ताव लाया है, ये प्रस्ताव हम लोग पास होने नहीं देंगे। इस तरह से गैर कानूनी काम हुआ है वहाँ पर तो उसको रद्द किया जाए, ये पब्लिक के हित में नहीं है। इन्होंने नगर सेवकों को बुलाकर 5-5 हजार रुपया देकर इन्होंने साइन किया है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। भिवंडी में लॉक करके छोड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी, और इसके विरोध में हमको जो करना है हम रोड पे उतरेंगे या कोर्ट भी जा सकते हैं। अगर से वो टाइट रहते तो महापौर की क्या हिम्मत है कि ऐसे ठहराव पास कर सकते हैं। और महापौर मैडम को जिन लोगों ने वोट देके महापौर बनाया वो इसके जिम्मेदार है। मैं इस्लामुद्दीन खार और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। इस समय मौजूद है हम भिवंडी शहर में, और आपको बता दें भिवंडी महानगर पालिका के गेट के ठीक सामने जो है यहाँ पर एनसीपी द्वारा जो है जो भूख हड़ताल पर यहाँ पर 7 महिलाएं बैठे हैं। आपको बता दें दरअसल ये भूख हड़ताल करने का मकसद ये है कि जिस तरह से यहाँ पर पानी और प्रॉपर्टी टैक्स को जो प्राइवेट किया गया है उसे जो है प्राइवेट ना किया जाए उसकी मांग को लेकर जो है यहाँ पर 7 महिलाएं एनसीपी की जो है वो भूख हड़ताल पर बैठी हैं। जो महिला अध्यक्ष स्वाति कांबले है उनकी अध्यक्षता में ये जो है भूख हड़ताल यहाँ पर किया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है महानगर पालिका है और इसके निजामपुरा महानगर पालिका है, उसके ठीक सामने जो है ये महिलाएं यहाँ पर जो है विरोध भूख हड़ताल पर बैठी हुई है, और इनका भूख हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन है, यानी कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक ये भूख हड़ताल करेंगे। एक बात और आपको बता दें कि भिवंडी शहर वो शहर है जो यहाँ कपड़ा उद्योग यानी पावर लूम यहाँ पर जो है काफ़ी पैमाने पर चलते थे, लेकिन जिस तरह से जब बिजली प्राइवेट की गई उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ से जो है पावर लूम पूरा कई खत्म होता नजर आया है। जो ये यहाँ पर जिस तरह से एक व्यवसाय किया जाता था कपड़ा का वो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे खत्म हो गया। अब बात रही पानी और प्रॉपर्टी की तो वो भी प्राइवेट किया जा रहा है। हम यहाँ के जो समाज सेवक हैं उनसे भी बात करेंगे, जो अबू सुफियान है उनसे भी हम बात करेंगे, और जो यहाँ के जनता है भिवंडी शहर की उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनाएंगे जो यहाँ पर एनसीपी पार्टी की तरफ से जो महिलाएं भूख हड़ताल पर यहाँ पर बैठी हैं उन लोगों से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं स्वाति कांबले जी से। क्या कहेंगे आप जिस तरह से ये आप लोग यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं और पानी प्रॉपर्टी टैक्स जो है प्राइवेट किया जा रहा है? देखिए जो पानी जो है ये इंसान को मिलना है, उसका फंडामेंटल राइट है, जीवनावश्यक वस्तु है, और उसी का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, निजीकरण हो रहा है, तो इसके विरोध में जो है हम लोगों यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज हमारे धरने का जो दूसरा दिन है, हम लोग का यही कहना है कि 16 दिसंबर की जो महासभा में ठहराव पास हुआ है कि घर पट्टी नल पट्टी का जो है प्राइवेटाइजेशन किया जाए, यही हम चाहते हैं कि ये जो ठहराव जो है वो ठहराव जो है रद्द किया जाए। आज भी महासभा है और हम लोग यहाँ माँ बहनें यहाँ पर बैठी है, यहाँ की मेयर भी जो है एक लेडी है, तो हम क्या हम उससे यही विनती करेंगे कि मैडम हम भी हमारे बच्चे घरों में छोड़ के आज यहाँ बैठे हुए हैं, तो प्लीज़ आप कैसे भी करके ये ठहराव जो है घर पट्टी पानी पट्टी प्राइवेटाइजेशन का ये रद्द कर दीजिए। पहले ही भिवंडी की आवाम जो है यहाँ बिजली सप्लाई करने वाली टोरंट पावर कंपनी से काफ़ी त्रस्त है, परेशान है, उसी में और एक दूसरी कंपनी हमको प्राइवेट नहीं चाहिए। जिस तरह से ये भूख हड़ताल यहाँ पर किया जा रहा है अनिश्चितकालीन है, तो क्या लग रहा है कि आप जो मांग कर रही हैं ये पूरा हो पाएगा? जी हाँ जरूर, क्योंकि अभी तक जो है ये जो मांग जो है अभी महासभा से ये प्रस्ताव जो है आयुक्त के पास गया नहीं है। कल ही हमारे आयुक्त से मीटिंग हो गई है, उन्होंने कहा है कि ये प्रस्ताव अभी तक मेरे पास आया नहीं है, यानी उनके टेबल पे महासभा के कागज अभी तक गए नहीं है। तो आज भी महासभा है, जब महासभा ठहराव ले सकती है तो महासभा ठहराव रद्द करने का पूरा महासभा को अधिकार है। क्योंकि अच्छा भिवंडी शहर के जो भी कॉर्पोरेटर हैं और भी लोग हैं उन लोग का कहना नेताओं का कि इस पर कोई राजी नहीं था, तो ये फिर ठहराव पास कैसे होगा? देखिए अब आप मीडिया वाले, जाहिर सी बात है एक आम आवाम है, आम आवाम को जाके कौन बताता है?
कि शहर में कौन सा प्रस्ताव हुआ, कौन सा ठहराव पास हुआ, कौन बताता है? जाहिर सी बात है, मीडिया। मीडिया में खबरें चली, बड़े बड़े अखबारों में खबरें चली कि ठहराव पास हो गया निजीकरण का, घर पट्टी पानी पट्टी जो है प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हम ये कैसे कहे कि ये ठहराव नहीं हुआ है? नगर सेवक का हम लोग कैसे सुने? और खुद जो नगर सेवक, 18 नगर सेवक हमारे पक्ष में आए हुए, प्रवेश किए, उन्होंने पार्टी में आने से पहले उनका विरोध किया है। स्वाति जी, लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि कब तक आपका ये भूख हड़ताल जारी रहेगा? देखिए, हम लोगों ने अपने बैनर पे देखा होगा कि आमरण भूख हड़ताल लिखा है, तो जाहिर सी बात है जब तक महापौर मैडम यहाँ आके हमको बताती है, एक खुशखबरी देती है कि ये घर पट्टी पानी पट्टी का ठहराव हमने रद्द किया है, ऐसा लिखित में वो देती है, उस दिन हमारा अनशन खत्म होगा। फिर इसके लिए हमारे, अगर महापौर को अपनी मनमानी करनी है, तानाशाही करनी है, तो वो हमारे लाशों पे गुजर जाए, और ये भिवंडी करो की भलाई के लिए, अगर हम शहीद होने का भी हम लोग अगर होते हैं तो हम लोग शहीद होने के लिए तैयार हैं। आज आपका दूसरा दिन है यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे, कोई आया जिम्मेदार, कोई आया आपसे मिलने के लिए? देखिए, जिम्मेदार तो कोई आया नहीं है। सबसे शुक्रिया तो हमको हमारी पुलिस भाइयों का ही मैं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने डॉक्टर बुलवाए, दो तीन महिलाओं को उल्टियाँ वगैरह होने लगी तो उन्होंने डॉक्टर बुलवाए, वही हमारी खैर खैरियत रख रहे। हम लोग अंधेरे रात में हम लोग जब यहाँ बैठी थी ठंडक में, तो सबसे ज़्यादा तो मैं शुक्रिया तो हमारे पुलिस भाइयों का मानूंगी, मगर निकम्मी महानगर पालिका के जो भी लोग हैं वो लोग हमको पूछने तक नहीं आए, देखने तक नहीं। इवन ये लोगों ने ये जो बाथरूम था, ये बाथरूम भी बंद करके रखा था, आखिर में खटखटा के हम लोगों बाथरूम में गए। कोई अभी तक आया नहीं आपसे? कोई आया नहीं, कोई भी आया नहीं। महापौर मैडम ने ना ही किसी को भेजा और ना ही आयुक्त साहब ने किसी को भेजा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारी लड़ाई जो है वो मेयर से और नगर सेवकों से है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो घर पट्टी नल पट्टी का निजीकरण को देने का इन्होंने प्रस्ताव लाया है, ये प्रस्ताव हम लोग पास होने नहीं देंगे। इसके विरोध में हमारी पूरी राष्ट्रवादी पार्टी खड़ी है, और मुझे पूरा यकीन है भिवंडी शहर की जनता से कि अगर मैं एक अपील करूंगा तो मुझे जनता की मदद जरूर मिलेगी, क्योंकि ये कोई पर्सनल हमारा झगड़ा म्युनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन का नहीं है, ये हमारे शहर का मुद्दा है। और जब भी इस किस्म का प्राइवेशन कंपनियों को यहाँ पे लाया जाएगा तो हम लोग विरोध करेंगे, और पूरी राष्ट्रवादी पार्टी विरोध करेगी। हमारी महिला बहन बैठी हुई है, आज दूसरा दिन है, और आज अगर नहीं सुनेंगे तो हम भिवंडी शहर की जनता से अपील करेंगे कि हमारा सपोर्ट करो, और म्युनिसिपैलिटी को हम घेराव करेंगे और घुसेंगे और लॉक करके छोड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी को। एनसीपी का जो भूख हड़ताल यहाँ पर किया जा रहा है, कांग्रेस के भी कुछ पदाधिकारी जो यहाँ पर आए हुए थे उनका समर्थन देने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। कांग्रेस के पदाधिकारियों से बात करेंगे, क्या कहेंगे आप यहाँ पर समर्थन देने के लिए आए थे? देखिए, आज हम लोग कमिश्नर साहब से हमारा पहले से वक्त तय था, एक घर पट्टी पानी पट्टी जिस तरह से इन्होंने प्राइवेटाइजेशन को देने का निर्णय लिया है, निर्णय नहीं लिया है, ये एजेंडे में डाल के और बेकायदेसीर जो लेने का इन्होंने वो काम किया है। हमने कमिश्नर साहब से निवेदन देकर ये कहा है कि आप कस्टोडियन ऑफ द लॉ हो, यहाँ के म्युनिसिपल एक्ट के कस्टोडियन हो आप। ये म्युनिसिपल एक्ट की धज्जियाँ यहाँ पे उड़ाई गई हैं। एक तो 2/12 को जो मीटिंग थी उसमें इन्होंने ये सब्जेक्ट नहीं रखा था, वो मीटिंग एडजर्न होकर 16/12 को लगी, और कायदे से एडजर्न मीटिंग में कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं लिया जा सकता। दूसरे, ये पॉलिसी मैटर है, धोरणात्मक निर्णय है, धोरणात्मक विषय है, और आपके फाइनेंशियल मैटर, आर्थिक, बहुत बड़ा आर्थिक इसका वो है। ऐसे मैटर को एक्ट में बिल्कुल साफ साफ लिखा है कि ये मैटर रेगुलर एजेंडे पर आकर उसकी डिपार्टमेंट की रिपोर्ट रख के और फिर जो है लिया जा सकता है। मेजोरिटी कॉरपोरेटर अगर लेने के हक में रहेगी तो करेगी। इन्होंने ये सब ना करते हुए जो ये हरकत की है, हमने कमिश्नर साहब से कहा है कि आप जो है तुरंत इसको, 451 सेक्शन है जिसमें अगर कमिश्नर को लगता है कि कोई कमिश्नर या कोई भी पब्लिक में से किसी को कोई भी विषय अगर गैर कानूनी लिया सकता है तो सचिव जो है वो उसको रद्द करने का इख्तियार लगता है। हमने कहा कि आप रिपोर्ट भेज दो कि इस तरह से विषय लिया गया, और हम सचिव के पास बैठ के जो है उसको रद्द कराने का काम करेंगे, और हम अपनी तरफ से भी सचिव को लिख रहे हैं कि इस तरह से गैरकानूनी काम हुआ है वहाँ पर तो उसको रद्द किया जाए, ये पब्लिक के हित में नहीं है। आप एमपी रह चुके हैं, क्या लग रहा है आपको कि ये जो है जबरदस्ती जो है जनता पर थोपा जा रहा है? जब से देख रहे क्या कांग्रेस एनसीपी की जो सत्ता गई है इस देश से और इस महाराष्ट्र से गई थी,
उसके बाद में अपन देख रहे पूरे महाराष्ट्र में बहुत ही बुरे जनता के हाल शुरू है, और उसी में आज अभी कोविड का आने के बाद में ऐसी ही जनता परेशान है, और उसमें ये घर पट्टी प्राइवेटाइजेशन करने का इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन मेरे हिसाब से ये निर्णय पास ही नहीं हो सकता है, ये गलत है, और इसको पूरी भिवंडी की जनता इसको विरोध कर रही है। जो शहर के नगर सेवक है वो भी विरोध कर रहे हैं, तो आखिर ये ठहराव पास हुआ कैसे हो गया? देखो, मैं सभी नगर सेवक के बारे में नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर महापौर रह चुका हूँ, नगर सेवक रह चुका हूँ। यहाँ पर बहुत गलत आदत है कुछ नगर सेवकों को। अभी यहाँ पर अगर ये अजंता के ऊपर सब्जेक्ट नहीं था तो भी ये कहीं पर भी नगर सेवकों की साइन लेंगे 5-10 हज़ार रुपया देकर, क्योंकि जो घर ये कचरा उठाने का जो ठेका दिए थे उस टाइम हम लोगों ने भी विरोध किया था। उस टाइम कोई भी यानी ये पूरा नहीं था कोरम, लेकिन उसके बाद में इन्होंने नगर सेवकों को बुलाकर 5-5 हज़ार रुपया देकर इन्होंने साइन किया है, तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है भिवंडी में। यानी भ्रष्टाचार ही इधर चला है, पूरी भ्रष्टाचार का खेल है, और जनता को परेशान कर रहे हैं, और कुछ नहीं। इसमें भिवंडी की जनता पूरी पीसी जाती है, और यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो लोक प्रतिनिधि रहते वो अगर यहाँ पर टाइट रहते, नगर से वो टाइट रहते, तो महापौर की क्या हिम्मत है कि ऐसे ठहराव पास कर सकते। भिवंडी के समाज सेवक अबू सुफियान हमारे साथ मौजूद है। जिस तरह से भिवंडी में घर और पानी जो है इसका टैक्स प्राइवेट करने की बात सामने आ रही है, उनसे भी कुछ सवाल करेंगे। जिस तरह से यहाँ पर प्राइवेट किया जा रहा है, बिजली प्राइवेट हो चुकी है ऑलरेडी, और घर टैक्स, प्रॉपर्टी, पानी का टैक्स, ये भी अब प्राइवेट करने की बात सामने आ रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि जनता के ऊपर ये एक जबरदस्ती थोपने का काम किया जा रहा है? हमारे तत्कालीन महापौर जो है प्रतिभा विलास पाटिल मैडम जो है, इन्होंने एक प्रस्ताव लाए कि भाई घर पट्टी और नल पट्टी को प्राइवेट किया जाए, खासगीकरण किया जाए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं, और इसके विरोध में हमको जो करना है हम रोड पे उतरेंगे या कोर्ट भी जा सकते हैं। लेटर आता है जिसपे तारीख भी नहीं होती और डिस्पैच भी नहीं होता है, और महापौर मैडम उसको पढ़ती है कि घर पट्टी और नल पट्टी खासगीकरण का मुद्दा हम शासन के तरफ भेजेंगे। उस पर हमारे नगर सेवक, कांग्रेस के नगर सेवक उठ के ऑब्जेक्शन लेते हैं कि भाई घर पट्टी और नल पट्टी वसूली करने के लिए जो अधिकारी और कर्मचारी है ये असमर्थ है, महानगर पालिका असमर्थ है, तो इन लोगों को निलंबित किया जाए और फिर ये प्रश्न लाया जाए। उतने में महापौर मैडम इनके ऑब्जेक्शन लेने का समय ना देते हुए जनगणना के आदेश दे देती है, और राष्ट्रगान शुरू हो जाता है। राष्ट्रगान जब शुरू हो जाता है तो फिर राष्ट्रगान का सम्मान करना है, और राष्ट्रगान के बाद सभा खत्म हो जाती है। मिनट बुक में कुछ आता नहीं है। ये अंधेर नगरी हमारे महानगर पालिका में चल रही है और चलती आ रही है, इसको कहीं ना कहीं रोकना होगा। और मैं इसको जो खासगीकरण किया जा रहा है घर पट्टी नल पट्टी का, इसको जिम्मेदार मैं महापौर मैडम को ठहराता हूँ, और महापौर मैडम को जिन लोगों ने वोट देके महापौर बनाया वो इसके जिम्मेदार है, जिसमें 18 बीजेपी के नगर सेवक जिम्मेदार है, 18 कांग्रेस के नगर सेवक जिम्मेदार है, 2 समाजवादी के नगर सेवक जिम्मेदार है, और 4 आरपीआई के नगर सेवक जिम्मेदार है, और खुद कोणार्क अकाली के 4 उम्मीदवार, 4 नगर सेवक इसके जिम्मेदार है, जिन लोगों ने महापौर मैडम को वोट दिया है। भले ही इन्होंने बंडखोरी करके वोट दिया है, लेकिन इसके जिम्मेदार जितनी कांग्रेस है उतनी बीजेपी है, जितनी बीजेपी है उतनी समाजवादी है, और जितनी समाजवादी है उतनी आरपीआई है। मैं तो सलाम करता हूँ शिवसेना को, शिवसेना का एक भी बंदे ने महापौर के लिए वोट नहीं किया है। इस समय मौजूद है हम भिवंडी के शांति नगर इलाके में, और आपको बता दें कि कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर पानी पट्टी, घर पट्टी जिस तरह से प्राइवेट की जा रही है उसको लेकर इनका क्या कहना है, और इन पर कितना असर उसका पड़ेगा। क्या कहेंगे आप जिस तरह से पानी पट्टी, घर पट्टी जो है प्राइवेट किया जा रहा है, इसको लेकर आप लोग क्या सोच रहे हैं? जो शहर के नेता है उनके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? भैया, हम लोग तो नहीं भर पाएंगे इतनी महंगी पानी पट्टी नल पट्टी, और क्या कहते हैं कि जो अभी आता था 3,000-2,000 वो भर लेंगे, अब 20,000-10,000 आएगा वो हम कहाँ से भरेंगे? है अब इतना है बिल भरना है, नल पट्टी है, ये घर भी देखना है हम लोग को, और बच्चे लोगों का भी है, इतना हम लोग नहीं महंगा
कर पाएंगे। अच्छा पहले कितना आता था आप बताइए, कितना आता था पहले जब मतलब मनपा में भरते भाई? 3,500 भी आ सकत रहा, 4,000 भी आ सकत रहा, इतना तक आ सकत रहा। तो अभी है कि अब इतना ज्यादा प्राइवेट करिए तो हम लोग कैसे भरपाई करे बुनकर बतावा। हम लोग गरीब आदमी है, इतना मीटर का बिल और का करे के, जूठे लड़की लड़का जियावा खियावा कैसे कैसे का करल जाये हम लोग बतावा। हम लोग आप लोग यहाँ जो जनप्रतिनिधि चुनकर दिए हैं उन लोग के बारे में क्या कहेंगे आप? जो नगर सेवकों को आप चुनकर दिए हैं तो उन लोगों को क्या कहेंगे आप? जिस तरह से प्राइवेट आप बिजली प्राइवेट हो गई, घर पट्टी पानी पट्टी ये भी प्राइवेट हो गई, तो हम लोग भी यही बात सब जुटेगा तो यही बात हम लोग डालेंगे कि भाई देखो हम लोग भर नहीं पाएंगे इतना। अब भाई प्राइवेट करिए ना, जो सरकारी है तौने रही तो ठीक है, नहीं तो भाई प्राइवेट में हम लोग नहीं इतना भर पाए। पानी पट्टी और घर पट्टी ये जो है प्राइवेट हो रहा है, इसका जो भी टैक्स रहेगा ये प्राइवेट कंपनी वसूल देगी, ऐसा ठहराव हुआ है। तो क्या आप लोगों को लग रहा है ये सही है? नहीं सही तो नहीं है, गरीब आदमी लोग को तो बहुत भारी पड़ेगा ये सब, समझे? अब जिसकी कमाई इतनी नहीं रहेगी तो कहाँ से भरेंगे प्राइवेट में? यानी नहीं होनी चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो अभी तक जैसे मनपा वसूली करती थी जो भी आपका टैक्स रहता था, प्राइवेट आने से इस पे आपका किस तरह का असर पड़ेगा आप लोगों पर? पैसों का ज्यादा बोझ पड़ेगा, क्या पड़ेगा? पैसे का तो बोझ ज्यादा पड़ेगा ना, अभी जब ज्यादा आएगा तो फिर अपने ऊपर बोझ ही है, वो हमको देना ही देना है, नल पट्टी हो घर पट्टी हो या ये पावर का बिल हो, वो तो भरना ही भरना है ना। तो वही क्या करेंगे, कहाँ से भरेंगे फिर? क्या अभी जो जैसे पहले था तो कम बिल जैसे आती थी, हर चीज का कम था, तो अभी तो नहीं बोलेंगे ना हमके प्राइवेट में मत दो ऐसा। तो आपने देखा कि किस तरह से एनसीपी की जो महिला पदाधिकारी है कार्यकर्ता है वो भूख हड़ताल पर बैठी हुई है। उनकी भी मांग है कि जो है घर पट्टी पानी पट्टी ये प्राइवेट ना किया जाए, और कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे उन लोगों ने भी एनसीपी के लोगों को समर्थन दी। कहीं ना कहीं हमने आपको भिवंडी शहर की जो आम जनता है और जो नगर सेवक है उनकी भी बात आपको सुनाई कि किस तरह से ये लोग भी प्राइवेट करने के खिलाफ है। इनका साफ कहना है कि इस तरह से महानगर पालिका पानी और प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली करती थी उसी तरह से वसूली किया जाए, न कि जो है जनता के ऊपर एक बोझ डाला जाए और जो है घर और पानी जो है इसे प्राइवेट किया जाए। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, भिवंडी।